नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आपको पता है हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, अर्थात जनन तंत्र पढ़ रहे थे। जनन तंत्र में साथियों, कल हमने नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। साथियों, आज हम पढ़ने वाले थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले थे। लेकिन साथियों, मादा जनन तंत्र को पढ़ने से पहले साथियों, एक ऐसा टॉपिक है उसके बारे में पढ़ना अति आवश्यक है। बात यह आती है साथियों कि वो टॉपिक कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, वो टॉपिक है भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म चक्र, जिसे आप आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं। तो देखिए भैया, मैं हेडिंग लगा लेता हूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन तंत्र। कल हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ लिया भैया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले साथियों, हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे हिंदी में कहा जाता है मासिक धर्म चक्र या ऋतुस्राव भी कहा जाता है इसे। इसे और क्या कहा जाता है, इसे पीरियड्स भी कहा जाता है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक का योगदान हमारे दैनिक जीवन में भी आता है और साथ ही साथ में आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पूछा ही जाता है। तो एक एक बात को गौर से सुनना, बहुत अच्छे से याद कराने वाला हूं। साथियों, सबसे पहले आपसे इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मासिक धर्म चक्र का काल कितना होता है। मासिक धर्म चक्र का काल तो भैया 28 से 29 दिन होता है। आपने सुन रखा होगा साथियों कि लड़कियों में पीरियड्स आते हैं जो हर महीने आते हैं। साथियों, वो पीरियड्स है वो यही है भैया मासिक धर्म चक्र। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, अब पीरियड्स का नाम तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा बात साथियों कि भैया मासिक धर्म चक्र का काल कितना होता है, तो भैया 28 से 29 दिन होता है। बात यह आती है साथियों कि मासिक धर्म चक्र की शुरुआत लड़कियों में कब होती है, तो भैया लड़कियों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की आयु में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत होती है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन था कि भैया मासिक धर्म चक्र का काल 28 से 29 दिन होता है, और दूसरा क्वेश्चन था साथियों हमारा कि लड़कियों में जो मासिक धर्म चक्र है इसकी शुरुआत कब होती है, तो भैया 12 से 13 वर्ष की उम्र में होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रथम मासिक चक्र को क्या कहा जाता है। प्रथम मासिक चक्र को क्या कहा जाता है, तो पहली बार साथियों जब पीरियड्स आते हैं तो उस अवस्था को कहा जाता है मेनार्क। इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों रजोदर्शन। क्या कहा जाता है साथियों, रजोदर्शन कहा जाता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि लड़कियों में जो पीरियड्स पहली बार आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मेनार कहा जाता है, रजोदर्शन कहा जाता है। बात क्लियर है। कब आने स्टार्ट होते हैं ये, 12 से 13 वर्ष की उम्र में साथियों लड़कियों में ये आने स्टार्ट हो जाते हैं। कब तक आते हैं, तो भैया ये 50 से 55 वर्ष तक आते हैं। कौन, ये पीरियड्स, या फिर मैं कह सकता हूं कि भैया मासिक धर्म चक्कर जो चलता रहता है 50 से 55 वर्ष तक चलता रहता है। अंतिम जो मासिक धर्म चक्कर है उसे क्या कहा जाता है,
तो उसे कहा जाता है मेनोपॉज, रजोनिवर्त, यानी कि जब अंतिम बार भैया ये पीरियड्स आते हैं 50 से 55 वर्ष की उम्र में, तो भैया उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मेनोपॉज कहा जाता है। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन है भैया। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन है। अब मान लीजिए भैया आज किसी लड़की को पीरियड्स आए हैं, यानी कि मासिक धर्म चक्र की शुरुआत, कहने का मतलब आज अंत हुआ है, तो सातों साथियों शुरुआत एक दो दिन में, शुरुआती एक वह दो दिन में अंडाणु बनने स्टार्ट हो जाते हैं, अंडाणु बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात यह आती है कि भैया ये अंडाणु बनते कहाँ, भैया अंडाणु बनते कहाँ हैं? तो साथियों जब मैं आपको मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उस जगह पर मैं आपको बताऊंगा कि भैया अंडाशय होता है महिलाओं में, ये एक जोड़ी होता है, और इसी ही अंडाशय में भैया अंडाणु का निर्माण होता है। कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, सब चीजें बताऊंगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है और ये एक जोड़ी पाए जाते हैं, कौन, ये अंडाशय। शुरुआती एक दो दिन में अंडाणु बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लगभग 13 दिन तक अंडाणु पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं, लगभग 13 दिन तक अंडाणु परिपक्व होकर पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। यहां तक बात क्लियर है? 14वें दिन साथियों, इधर देख लीजिए, यहां पे 14वें दिन अंडाणु इस अंडाशय से साथियों बाहर निकलते हैं, अंडाशय से बाहर निकलते हैं, और साथियों 15वें व 16वें दिन शुक्राणु का इंतजार करते हैं, लगभग 13 दिन तक तो साथियों ये अंडाणु अंडाशय में ही रहते हैं और साथियों पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। 14वें दिन ये अंडाशय से बाहर निकलते हैं और साथियों 15वें व 16वें दिन ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं। अब साथियों यहां तक तो बात सेम चलती है, लेकिन अब भैया दो प्रक्रिया होना स्टार्ट हो जाती है। एक प्रक्रिया में क्या होता है, शुक्राणु आ जाता है। साथियों अगर शुक्राणु आ गया तो भैया शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ेंगे और साथियों फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि अंडाणु निषेचित हो जाएगा, तो किसका निर्माण होगा, युग्मनज व जायगोट का निर्माण होगा, और साथियों ये जायगोट फिर गर्भाशय की दीवार पर आकर चिपक जाते हैं। फिर साथियों ये जो जायगोट है इसका विकास होता रहता है और भैया पूरे 9 माह तक ये गर्भाशय में रहता है। बच्चे और मां के बीच में एक प्लेसेंटा, एक दीवार होती है, एक झिल्ली होती है, उसका निर्माण होता है। इस प्लेसेंटा के थ्रू मां अपने बच्चे को भोजन देती रहती है और पूरे 9 महीने के बाद में साथियों जब जन्म होता है तो शुक्राणु जिस रास्ते से महिला में आए थे उसी रास्ते से भैया उस बच्चे का जन्म होता है। एक वाली प्रोसेस तो वो चली गई, लेकिन दूसरी वाली प्रोसेस क्या है जो मैं इस मासिक धर्म चक्कर में पढ़नी है।
अब मान लीजिए भैया शुक्राणु नहीं आए, अगर शुक्राणु नहीं आए तो भैया उस कंडीशन में होता क्या है, 15वें और 16वें दिन तो शुक्राणुओं का इंतजार करते हैं ये अंडाणु, लेकिन अगर अब शुक्राणु नहीं आए तो ये क्या करते हैं साथियों, ये अंडाणु गर्भाशय की दीवार पर उपस्थित जो उत्तक होते हैं उन उत्तकों के साथ चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है साथियों, जिससे भैया दीवार, गर्भाशय की दीवार, मोटी हो जाती है। और भैया इसमें सूजन आ जाता है। जब साथियों 28-29 दिन साथियों ये हो जाएंगे इस अवस्था को, तब होता क्या है साथियों, शरीर से ब्लड और साथियों ये जो अंडाणु है ये भैया बाहर आ जाएंगे। तब ये बाहर आएंगे साथियों तो उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। तब कहते हो आपके भैया पीरियड्स आ रहे हैं उस महिला को, तो ये सारी प्रक्रिया साथियों क्या कहलाती है, ये सारी प्रक्रिया मासिक धर्म चक्र कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है, क्योंकि हर 28-29 दिन में साथियों महिलाओं में ये प्रक्रिया चलती रहती है। बोलो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मुझे ये बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आया, इतने आसान भाषा में आपको कौन बताएगा भैया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, मासिक धर्म चक्र किस प्रकार आता है। बोलो एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक छोटी सी कहानी है, उस छोटी सी कहानी के तहत मैं आपको बता देता हूं। पीरियड्स का नाम सुना होगा, लड़कियों में आते हैं लड़कों में नहीं, ये पीरियड्स ही साथियों मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक धर्म चक्र है। इनका काल कितना होता है तो 28-29 दिन इनका काल होता है। लड़कियां साथियों जब 12-13 वर्ष की उम्र की होती है तो उस समय साथियों ये पहली बार दर्शन देते हैं, मासिक धर्मचक्र या पीरियड्स पहली बार आते हैं। जब पहली बार आते हैं तो साथियों उन्हें कहा जाता है मेनार्क या फिर रजो दर्शन, जो कि आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और साथियों कब तक आते हैं तो 50-55 वर्ष की उम्र तक आते हैं भैया लड़कियों में ये। जब अंतिम बार आते हैं साथियों ये पीरियड्स तो भैया उसे कहा जाता है मेनोपॉज यानी कि रजोनिवर्ति। और साथियों ये दोनों क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेनार्क और मेनोपॉज, इन दोनों के बारे में आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब होता क्या है, शुरुआती साथियों 1-2 दिनों में ये अंडाणु बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कहां पर बनेंगे तो भैया महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है, जो कि एक जोड़ी पाया जाता है। एक जोड़ी का मतलब होता है कि नंबर में 2 होते हैं। इस अंडाशय में साथियों अंडाणुओं का निर्माण होता है। अपरिपक्व साथी जो अंडाणु होते हैं उन्हें ग्राफियन फोलिकल कहा जाता है, उन्हें ग्राफियन फोलिकल कहा जाता है। जब साथियों ये पक जाते हैं, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं, तब उनको नाम दिया जाता है साथियों अंडाणु या फिर डिंब कहा जाता है। बात आपको समझ में आ गई। तो साथियों लगभग 13 दिन तक तो भैया ये अंडाणु अंडाशय में ही रहते हैं और ये पूर्ण रूप से परिपक्व होकर तैयार रहते हैं। 14वें दिन साथियों ये अंडाशय से बाहर आते हैं,
15वें और 16वें दिन साथियों ये शुक्राणु का इंतजार करते हैं। अगर शुक्राणु आ जाते हैं साथियों, समय लैंगिक क्रिया हो जाती है महिला और पुरुष के बीच में, तो भैया शुक्राणु आ जाते हैं तो भैया युग्मनज में जायगोट का निर्माण हो जाता है, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में जुड़ेंगे तो निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन की प्रक्रिया के थ्रू साथियों क्या होता है, युग्मनज में जायगोट का निर्माण होता है। अगर साथियों शुक्राणु नहीं आए तो उस अवस्था में होता क्या है, गर्भाशय की जो दीवार होती है साथियों उस पर उत्तक लगे होते हैं। इन उत्तकों के साथ में साथियों ये अंडाणु चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है गर्भाशय की जो दीवार है साथियों ये मोटी हो जाती है, गर्भाशय की दीवार में सूजन आ जाता है। जब साथियों इसका समय काल समाप्त होता है यानी कि 28 से 29 दिन जब समाप्त होते हैं तो उस अवस्था में साथियों क्या होता है, लड़कियों के शरीर से ब्लड और ये अंडाणु जो चिपके हैं साथियों ये शरीर से बाहर आते हैं, उसे कहा जाता है साथियों मेंस्ट्रुअल फ्लू, जिसे आप कहते हो आम भाषा में कि भैया पीरियड्स आ रहे हैं उसे, तो या अभी आने वाले हैं उसका टाइम हो गया। साथियों पूरी जो अवस्था है इस पूरी अवस्था को मासिक धर्म चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, मासिक धर्म चक्र कहा जाता है। तो अगर इससे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई क्वेश्चन आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको 2 बार रिवीजन करवाया है बिल्कुल आसान भाषा में। कल हम साथियों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र को पढ़ने से पहले साथियों इसके बारे में जानना अति आवश्यक था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो कल इंतजार करना, किसके बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो बोलो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।